अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद रफीक जैसे हद हो गई है तेरी, तो तूने उसकी रेड़ी अपनी रेड़ी के साथ ही लगवा ली। और मैंने थोड़ा लगवाई है। और चल तूने लगवाई नहीं तो हटवा तो सकता है ना, तो तेरे सारे गाहक उसके पास चले जाएंगे और चलता चलाया कारोबार तेरा ठप हो जाएगा। वो कुछ सोच भाई, बल्कि वो कल्लू नहीं कार परेशान आला, उसके साथ अच्छी खासी सलाम दुआ है मेरी, तो कहे तो उसको बोल के इसकी रेड़ी ना हटवा दूं। और नहीं नहीं, तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा, इसका बंदोबस्त तो मैं खुद कर लूंगा। चाचा मेरी तो 2 मिनट पैक कर दो। और देता हूँ मेरी भी बाज लगा दो मैं यार। कर देता हूँ। वाह यार काशी, क्या मजे की हलीम बनाई है, बहुत ही उम्दा। बस एक बात का ख्याल रखना, जब कस्टमर को हलीम दोगे ना, इसमें तरी लाजमी डालना ताकि कस्टमर को फ्रेश फ्रेश लगे। जी ठीक हो गया नितिन भाई, कोई और कमी पेशी है तो बताएं। बस माशाल्लाह, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है, लेवल है। अगर उस रेड़ी पे इतना रश लगा हुआ ना, वो देखना कल तेरी रेड़ी पे भी ऐसे कस्टमरों का रश होगा। दिल छोटा ना करना, नया नया काम है, चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है यार, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। हेलो भाई। वैसे भी ये साथ वाले चाचा जी क्यों नहीं आया, कुछ पता है? पता नहीं भाई साहब, आज क्यों नहीं आए? माशाल्लाह आपके भी चना और चावल बहुत मजे के। शुक्रिया भाई। 2 प्लेट हलीम की देना भाई। हलीम तो सारी खत्म हो गई है भाई। चावल है, सारा माल खत्म हो गया। उस्ताद रफीक, ये क्या किया तूने? वो तूने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जानबूझ के दुकान बंद करके अपनी सारे कस्टमर उसके पास भेज दिए तूने। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन तूने और देख ली, हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा कमा भी रहे हैं। इसकी रेडी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारी छोटी सी मदद से उस बेचारे का रोजगार चल पड़ेगा। वो हमारा हमसाया और हमसाये के बहुत हकूक है। जानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहि सलाम मुझे पड़ोसियों के हकूक के बारे में इतना फरमाते हैं कि मुझे डर है कि कहीं पड़ोसियों के हकूक को विरासत में ना रख दिया जाए। बस एक दिन मैंने अपनी रेड़ी ना लगाकर अपने गाहकों को उसकी रेड़ी पर भेजा, अगर उसका खाना बेहतर हुआ तो वो हमारी बजाय उसके पास जाएंगे, उसे खाएं। एक बात याद रखना ली भाई, जो हमारे नसीब का रिजक है ना, वो हमें मिलकर रहेगा। कोई हमसे हमारे नसीब का रिजक नहीं छीन सकता, उसको अपने नसीब का मिलना है और मुझे अपने नसीब का रिजक मिलना है। मैंने बस अपना पड़ोसी होने का हक अदा किया। ओ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम किया तूने उस्ताद रफीक, तूने तो दिल जीत लिया मेरा। एक दूसरे से हसद करना छोड़कर एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की मदद करें।